गुड मॉर्निंग, मेरा बस लेट कर रहा है। तो हम बस स्टैंड में आ चुके हैं और टाइम हो चुका है बस के आने का, बट बस अभी भी नहीं आई है। आज का वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत हवा चल रही है, धूप नहीं निकली है, ठंडी ठंडी हवा है, लगता है कहीं बारिश हुई होगी और काफ़ी अच्छा है। इस टाइप का वेदर होता है ना तो आपको मतलब कि काम करने में भी मज़ा आता है, काम करने में वेरी मज़ा आता है। तो चलो बस अभी तक नहीं आई है, हम वेट कर रहे हैं। तो आज के लंच में मैं बना रही हूँ सुक्तो और साग बनेगा। तो आज जो साग है वो साग जो है वो ये वाला साग है। तो इस साग का नाम आप बताना, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? तो हमारे यहाँ पे तो इसको पाट साग बोलते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा सा सूखा टाइप का नहीं होता है, थोड़ा सा जेली जेली टाइप सा नहीं होता, वो उस टाइप का ये वाला साग है। तो आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं साग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और सुक्तों के साथ बनेगा दाल और राइस मैंने बना दिया है ऑलरेडी, और थोड़ की सब केले के जो बीज का जो स्टैम्प होता है उसकी सब्जी बन रही है, फुल ऑफ आयरन है इसमें। और बस अभी तक तो फिलहाल यही मैंने डिसाइड किया है। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो मैंने सारी की सारी वेजिटेबल्स यहाँ पर काट ली है, बहुत ही इसमें ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब क्या बोलते हैं, गर्मी में बहुत टाइप का होता है ना, पेट में एसिडिटी हो जाता है और पानी कम, मतलब बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। तो सुक्तो खाने से वो सब प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर ट्राई करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है सुक्ते की रेसिपी को। तो चलो पहले मैं अपना लंच बना देती हूँ और उसके बाद क्रिश को लेने के लिए जाना भी है। क्रिश को मैं स्कूल से लेके आ चुकी हूँ और आज वो साइकिल चला रहा है। तो उसने पहले मैं बीच में उसको साइकिल की प्रैक्टिस करा रही थी, उसके बाद तो बहुत साइकिल छोटा है ना, तो जिस वजह से ना उसे झुक झुक के चलाने में ना मैंने सोचा चलो छोड़ दो बाद में वो सीखेगा। तो आज सडनली उसका एक फ्रेंड साइकिल लेके स्कूल में आया था, तो उसको भी इच्छा हुई कि उसे साइकिल चलानी है। तो साइकिल नीचे गैरेज में ही रहता है, तो मैं उसको साइकिल को लेके आ गई ऊपर। एंड देन मैं हैरान हूँ कि वो अचानक से ही ना, मतलब आपको खुद ही देखो क्रिश खुद से मतलब कि विदाउट एनी हेल्प चढ़ रहा है। और हाँ आ जाए, ओहो रुको रुको रुको, इसको ये दरवाज़ा ना इसका स्टॉपर जो है वो ख़राब हो गया। चलो क्रिश, ओके कम, ये देखो घर का हर एक मेंबर हैरान हो जाएगा, मतलब कि वो साइकिल इतने अच्छे से चला रहा है, बिकॉज मतलब वो एक पैडल भी नहीं कर पाता था उसमें, वो इतना अच्छा चला रहा है रियली। क्रिश हाय कर दो। हाय, मैं साइकिल चला रही हूं। हाँ साइकिल चला। शाम के 6 बज चुके हैं, श्री अभी गई है पार्क में खेलने के लिए, क्रिश अभी भी सो रहा है। अगर वो उठ जाता ना तो मैं भी उसको लेके जा पाती, बट उसे मैंने 2-3 बार उठाने की कोशिश की बट वो सो रहा है, उसको नींद मतलब। और नॉर्मली ना वो स्कूल जाता है ना तो इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है कि वो करीबन 2 से 2.5 घंटे तक ही मतलब कंप्लीट स्लीपिंग लेता है, और उसके बाद रात को 10:30-11 o'clock नियर अबाउट हम सो जाते हैं। और मैंने सूखे कपड़े उठा के लेके आई हूँ, यहाँ पड़े हुए हैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये रहा। तो उसको मैं सेट कर रही थी तो मेरे को लगा चलो
आपसे बातें भी हो जाए। तो क्या है ना, लॉकडाउन के टाइम पे जो स्कूलिंग होता था उस टाइम का और अभी के टाइम पे बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। नॉर्मली ये वाला जो स्कूल है ना, बच्चों को बहुत ज़रूरत थी। मतलब मेरे मानना है कि अभी बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों से मिलते हैं, टीचर से फेस टू फेस मिलना, बातें करना, जो टीचर पढ़ाती है। ऑनलाइन में नेटवर्क ख़राब हो रहा है या समझ नहीं आ रहा तो रिपीट कर रहे हैं, तो टाइम चला जा रहा है, नेट चला जा रहा है, इस टाइप का बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बट नॉर्मली क्लास, ये जो स्कूल होता है ना, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप ये अगर रिलेट करें तो ज़रूर बताना मुझे। तो मेरे ख्याल से ये स्कूल एक टाइम तो ऐसा आ रहा था कि मन लग रहा था कि और स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये ऑनलाइन में ही क्लासेस चलती रह जाएंगी, इस टाइप का हो गया था। बट फाइनली सब कुछ ठीक हुआ। तो एनी हाउ आप क्या कहें, और स्कूल में ना बच्चे इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत कुछ घर के कंपैरिजन में स्कूल में बच्चे बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है, फ्रेंड्स बनते हैं। दो साल में तो श्री के स्कूल में इतने बच्चे, नए बच्चे एडमिशन ले, उनके इनसे तो बात ही नहीं हो रही थी। अभी जब स्कूल चालू हुआ है ना, तो उसे पता ही नहीं है कि ये बच्चा अभी मेरी क्लास में पढ़ता है। मतलब इस टाइप का, मतलब सोचिए इस टाइप का भी फेज एक गया है उसके लाइफ में। वो श्री का अभी जस्ट स्टडी ख़त्म हुआ है, उसने अभी सब कुछ अपना होमवर्क पढ़ाई सब कंप्लीट किया है। तो अभी टाइम कितना बज रहा है मैं देखूँ जरा। टाइम 9:25 हो चुका है। तो अभी मैं डिनर बनाने के लिए जाऊंगी किचन में, और कृष्ण को आज ज़्यादा होमवर्क, कुछ ज़्यादा क्या, कुछ भी होमवर्क नहीं दिया था। और आज कृष साइकिल अच्छे से चलाना सीख गया है। तो स्कूल के बाद आपने देखा साइकिल चलाया, तो उसके बाद लंच करने के बाद साइकिल ही चलाया जा रहा था। उसके बाद बहुत देर के बाद उसे सुलाया, और उठने के बाद अगेन वो साइकिल ही चलाता रह गया। आज उसका पूरा दिन उसने साइकिल चलाया, और अभी भी साइकिल ही चला रहा है वो। मतलब से इतना अच्छा लग रहा है साइकिल चलाना। तो ये हमारा रात का डिनर है, रोटी है, ये दोपहर की सब्जी है, और वो पनीर की सब्जी है, और ये सैलेड। तो क्रिश को अभी मैं रात का दूध पिला रही हूँ, अभी वो दूध पीते ही सो जाएगा। तो अभी हमने डिनर किया और उसके बाद दूध पी लिया है। तो कृष को मैं दूध पिला रही थी, और श्री दूध नहीं पीती है रात को, बिकॉज़ वो शाम को ही हेल्ड्रिंक में दूध के साथ ही हेल्ड्रिंक पीती है, तो फिर इसलिए रात को वो दूध पीना पसंद नहीं करती। कभी कभार ऐसा होता है ना कि पी लेती है, बट मैक्सिमम टाइम वो रात को नहीं पीती है। और अगेन कल बच्चों का स्कूल है, और फिर वही भगदौड़ मच जाती है। सुबह का जो टाइम है ना, इतनी जल्दी जाता है ना, समझ ही नहीं आता कि कैसे, मतलब सुबह का टाइम चला गया। और शाम को भी बच्चों को मतलब होमवर्क कराना, पढ़ाना, करते करते भी शाम का टाइम भी किस टाइप से जो चला जाता है ना, कुछ नहीं पता चलता, लिटल बिट नहीं पता चलता। सिर्फ वीकेंड सैटरडे संडे को ही पता चलता है, हाँ भाई थोड़ा बहुत रिलैक्स है, अदरवाइज तो बहुत भगदड़ मच जाती है।
तो बस यहीं पर आज का दिन ख़त्म होता है, व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।